नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू मॉम फैब लाइफ। तो दिवाली आने वाली है और दिवाली के आने से पहले हम सब जुट जाते हैं बहुत सारी तैयारियां करने में, क्योंकि ये है समय माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान का हमारे घर पधारने का। तो उनके आने से पहले हम अपने घर की सफाइयां करते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं। आज का वीडियो दिवाली से जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट वास्तु टिप्स जो इंश्योर करेंगे कि आपकी दिवाली रहे बहुत ही हैप्पी, जॉयस एंड प्रॉस्परस। ये कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट वास्तु बातें हैं, कुछ छोटी छोटी ऐसी की एलिमेंट्स हैं जिन्हें करने से यू कैन इंश्योर कि माँ लक्ष्मी सिर्फ आपके घर में आएगी ही नहीं बल्कि खुश होके भी जाएगी। तो आज की वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या छोटी छोटी चेंजेस करने से आप अपनी दिवाली को और भी सक्सेसफुल कर सकें, देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल वीडियो, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि मैं वास्तु कंसल्टेंट नहीं हूँ, पर मेरा बहुत डीप इंटरेस्ट है वास्तु में, काफ़ी कीन इंटरेस्ट है वास्तु में, जिसके वजह से मैंने बहुत सालों वास्तु की पढ़ाई करी है। कुछ अपने एक्सपीरियंस से, पढ़ाई से ये सारी बातें जानी हैं, जिनको आज मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं लाती हूँ बहुत सारी वीडियोस विच आर रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, होम डेकोर, फेस्टिवल्स, किड्स, आर्ट, वास्तु एंड मच मोर। तो आइए बिना किसी डिले के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं टू नो ऐसी क्या वास्तु टिप्स हैं जो हम दिवाली से पहले फॉलो कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी दिवाली काफ़ी सक्सेसफुल जाए। देन लेट्स बिगिन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले घर के एंट्रेंस से। दिवाली से पहले हम सब अपना घर का एंट्रेंस काफ़ी डेकोरेट करते हैं, उसको सजाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि घर के मेन दरवाजे से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश आपके घर में पधारेंगे। पर ये इस एंट्रेंस की तैयारी या डेकोरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको सही तरीका शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप अपने दरवाजे को, अपने एंट्रेंस को एक अच्छे से डस्ट करिए, कपड़े से साफ करिए, जितना भी डस्ट है, जाले हैं, सब कुछ साफ करिए, उसको एक फिर गीले कपड़े से साफ करिए। घर के मेन दरवाजे पे स्वास्तिक बनाएं, ये आप दिवाली वाले दिन कर सकते हैं कि घर के मेन दरवाजे पे स्वास्तिक बनाएं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि स्वास्तिक बनाएं या ओम बनाएं, तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, ओम भी बना सकते हैं, आप दोनों भी बना सकते हैं, पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। और आप घर को, घर की एंट्रेंस को जितना हो सके उसको सजाने की कोशिश करिए। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे आपकी एंट्रेंस में चार चांद लग जाएंगे। अमेज़ॉन पे बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशंस मिलती हैं, तोरण मिलते हैं, फेक फ्लावर्स के तोरण मिलते हैं, आप चाहे तो रियल फ्लावर्स के भी तोरण लगा सकते हैं। दिवाली वाले दिन बहुत सुंदर भी लगता है और रियल फ्लावर्स की एक अलग ही बात होती है। घर के एंट्रेंस पे दिवाली वाले दिन रंगोली ज़रूर ज़रूर बनाएं। कोशिश कीजिए कि घर की जो कन्या है या घर की जो लक्ष्मी है, यानी कि घर में अगर कोई बहू है, कोई कन्या है, तो वो अपने हाथों से दिवाली की रंगोली बनाए। दिवाली की रंगोली बनाना बहुत ही शुभ होता है, और अगर ये घर की लक्ष्मी बनाए तो ये और भी शुभ होता है। आई एम श्योर आप सबके साथ, सबके पास हाउस हेल्प होते हैं, पर आप उस दिन अपने हाउस हेल्प से काम ना करवाएं, उनसे रंगोली ना बनवाएं। अगर आप खुद बनाएंगे, चाहे जैसे भी बनेगी, तो वो इंश्योर करेगी कि गुड लक इज़ डेफिनेटली ऑन योर वे। अब दिवाली में एंट्रेंस को सजाने का क्या मतलब है? दिवाली में एंट्रेंस इसलिए साफ करा जाता है, इसलिए सजाया जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि माँ लक्ष्मी आएंगे आपके घर, वो तो है ही, लेकिन इससे आती हैं नई अपॉर्चुनिटीज़। ये अपॉर्चुनिटीज़ भी तभी आती हैं जब आपका घर, आपका एंट्रेंस काफ़ी इनवाइटिंग लगेगा। जब कोई भी घर हम किसी मेहमान की इंतज़ार करते हैं, मेहमान का इंतज़ार करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा एंट्रेंस साफ रहे ताकि उस पर अच्छा इम्प्रेशन पड़े।
सेम इज द लॉजिक विद वास्तु. अगर आपके घर का एंट्रेंस इनवाइटिंग होता है तो उससे आपके घर के अंदर आती है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियां. तो ये एक बहुत बड़ा टिप है कि घर के एंट्रेंस पे खास ध्यान दे दिवाली वाले दिन. एंट्रेंस से ही रिलेटेड है मेरा दूसरा टिप. बहुत सारे घरों में देखा गया है कि भगवान की फोटोज या कोई आइडल या स्टैचू हम एंट्रेंस पे रख देते हैं. वेल, ये बिल्कुल नहीं करिए, ये बिल्कुल नहीं करिए, बिकॉज भगवान की जो फोटो होती है, भगवान की जो स्टैचूज होते हैं, वह उनका जो स्थान है वो आपके घर के अंदर है, वो आपके घर के बाहर नहीं है, वो आपके घर के गेटकीपर्स नहीं है या गार्ड्स नहीं है, वो उनका स्थान घर के अंदर है. और घर में भी उनका स्थान मंदिर में है. जगह जगह भगवान नहीं सजाने चाहिए, क्योंकि भगवान का स्थान है या तो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईस्ट कॉर्नर या वेस्ट कॉर्नर, या आपके घर पे जहाँ भी आपने मंदिर रख रखा है, या अगर आपका अपार्टमेंट है और आपने किसी भी डायरेक्शन में मंदिर रखा है, तो आप भगवान को अपने मंदिर के अंदर रखिए, घर के बाहर भगवान बिल्कुल ना सजाएं. तो चलते हैं अपने तीसरे टिप की तरफ, तीसरे वास्तु एलिमेंट की तरफ, जो है सफाई. अब दिवाली आती है तो बहुत फेमस है दिवाली की सफाई. घर घर में दिवाली की सफाई स्टार्ट हो जाती है और उसका एक कारण है. यूं ही नहीं पूरी दुनिया पागल है और वो दिवाली की सफाई करती है, इसका कारण है, क्योंकि दिवाली की सफाई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. ये मतलब हमारे रिलीजियस एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वास्तु के एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ. दिवाली की सफाई करने से आपके घर में जितनी भी खराब ऊर्जा होगी, जितनी भी नेगेटिविटी होगी, जो थोड़ा समय आते आते कलेक्ट हो जाती है, घर में कोई बुरी खबर है या घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट हुई, तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी कलेक्ट हो जाती है, डस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको ज़रूर ज़रूर दिवाली की डीप क्लीनिंग ज़रूर ज़रूर करिए. इससे आप ये तो इंश्योर करेंगे कि आपका घर साफ हो गया, पहली बात पूजा के लिए, माँ लक्ष्मी के आने से पहले आपका घर साफ हो गया, एक बात तो ये है. पर दूसरा फायदा इसका ये है कि यू आर ऑल्सो इंश्योरिंग कि आपने सारी नेगेटिविटी को हटाई, सारी दरिद्रता हटाई, और अब आपका घर खाली है थोड़ी सी पॉजिटिविटी के लिए. देखिए, भरे हुए गिलास में आप और पानी नहीं डाल सकते, तो जो जगह पहले से ही भरी हुई है बहुत सारी नेगेटिविटी से या दरिद्रता से, उसमें कुछ आने का स्कोप नहीं है. अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको थोड़ा सा घर खाली करना पड़ेगा. तो दिवाली की सफाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसी के साथ है मेरा फोर्थ पॉइंट, डी क्लटरिंग. तो दिवाली जब हम सफाई करते हैं तो डी क्लटरिंग बहुत ज़रूरी है. डी क्लटरिंग से मेरा मतलब है कि जो भी घर में ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आप यूज़ नहीं करते, बहुत पुराने हो गए हैं, बस पड़े हुए हैं, इस्तेमाल नहीं आ रहे हैं, टूटे हुए हैं, खंडित हो गए हैं, फिर भी आपने किसी कारण से, मेमोरी से, मोह से रखे हुए हैं, उसको एकदम डिस्कार्ड करिए. ये टूटे हुए बर्तन, ये फटी हुई चादरें कि हाँ कभी काम आएंगी, कभी काम, ये एक तो कभी काम नहीं आएंगी, पर ये अट्रैक्ट करती है दरिद्रता, यानी नेगेटिव लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल. इससे आपका लाइफस्टाइल, आपका स्टेटस नीचे जाता है, ऊपर उठने के बजाय नीचे जाता है. तो फटी पुरानी चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो आप इस्तेमाल नहीं करते, बहुत छोटे किसी बच्चे के कपड़े हों, पुराने कपड़े हों जो अब आपको फिट नहीं आते पर आपने रखे हुए हैं, ये दिवाली इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आप उन सब चीज़ों से रिड होएं, वो चीज़ें हटाएं, दरिद्रता की चीज़ें हटाएं, नई चीज़ों की जगह बनाएं. डी क्लटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू वास्तु दिस दिवाली. मेरा अगला पॉइंट है अगेन क्लीनिंग से रिलेटेड, वो है किचन की क्लीनिंग. बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी भी रीज़न से आप पूरे घर की डीप क्लीनिंग नहीं कर पाए, मान लीजिए किसी भी रीज़न से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों ने बहुत छोटे बच्चे हैं, कोऑपरेट नहीं किया, कुछ मेहमान आ गए जिससे आप ध्यान नहीं दे पाए, जो भी रीज़न है कि आप अपने घर का डीप क्लीनिंग नहीं कर पाए, तो आप किचन का और मंदिर का डीप क्लीनिंग ज़रूर करेंगे.
दिस इज नॉट नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल है ये। मंदिर का और किचन का डीप क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मंदिर और किचन ये दो सबसे पवित्र स्थान हैं आपके घर में। यहीं से आप भोग लगाते हैं भगवान को, यहीं पे सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा आएंगी, माता आएंगी, और मंदिर में तो है ही सारे भगवानों का वास होता है। उसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना इम्पॉर्टेंट है मंदिर को दिवाली से पहले क्लीन करना, उसको सजा के रखना। तो अगर आप पूरे घर की सफाई नहीं कर पाते तो मंदिर और किचन की डीप क्लीनिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंट्रेंस पे नेम प्लेट ज़रूर होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जो रेंटेड अकोमोडेशन होते हैं, जिसके वजह से एंट्रेंस पे नेम प्लेट नहीं होते। आप सोचिए कि जब भी आप किसी को लेटर भेजेंगे, अगर वहाँ पे नेम प्लेट नहीं हुआ, अगर आप किसी को निमंत्रण भेजेंगे, इनविटेशन भेजेंगे और नेम प्लेट नहीं होगा, तो वो इंसान कहाँ जाएगा। उसी तरीके से जब आप अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, जब आप भगवान को आवाहन करते हैं और चाहते हैं भगवान आपके घर आए, माता आपके घर आए, तो अगर आपके घर पे नेम प्लेट्स नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए वास्तु के हिसाब से घर में जो सबसे बड़ा मुखिया हो, घर का मुखिया हो या घर की लक्ष्मी हो, औरत हो, उसके नाम से नेम प्लेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखिए। माई नेक्स्ट पॉइंट इज, दिवाली वाले दिन हम सब बहुत अच्छे से सजते हैं, लेकिन दिवाली वाले दिन कोशिश करिए कि आप नए कपड़े पहने। नए कपड़ों में कोई एनर्जी नहीं होती, वो न्यू होते हैं। जब आप उनको धारण करते हैं, वो भी दिवाली वाले दिन, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी से आप उसको पहनते हैं। घर में बहुत खुशियाँ होती हैं, आप दिवाली वाले दिन सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, तो आप नए कपड़े पहने। किसी भी कारण से अगर नए कपड़े आप नहीं पहन पाते, तो आप पहले के पुराने कपड़े पहन सकते हैं, पर वो शुद्ध होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, साफ होने चाहिए। परंतु अगर घर में कोई छोटी कन्या है, तो कोशिश करिए कि वो ज़रूर 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 नए कपड़े पहने। हमारे सनातन धर्म में जो औरत होती है, उसका जो स्थान है हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारी बुक्स में, रिलीजियस टेक्स्ट में, वो बहुत हाई है। और स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है छोटी छोटी कन्या का। अगर आपके घर की कन्या खुश है, अगर आपके घर की लक्ष्मी खुश है, तो आपके घर में लक्ष्मी आने से कोई नहीं रोक सकता। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके घर में कोई छोटी छोटी कन्या है, तो उसको आप ज़रूर ज़रूर नए कपड़े पहनाएं, चमकीले कपड़े पहनाएं, ब्राइट कपड़े पहनाएं, और उसको दिवाली वाले दिन काफ़ी खुश रखिए। दिवाली वाले दिन माता पार्वती और गणेश भगवान सिर्फ भगवान नहीं है, वो आपके घर के मेहमान भी हैं। तो कोशिश करिए उनको नए नए पकवान खिलाने का। जो भी आप अपने किचन में बनाए, जो भी पूड़ी हो, सब्जी हो, बिना लहसुन और प्याज के, आप भगवान के लिए ज़रूर थोड़ा सा भोग प्रसाद, उनकी एक अच्छी सी थाली सजाए। अगर आप भगवान को दिल से बुलाएंगे, उनको एकदम मेहमान जैसे ट्रीट करेंगे, तो माँ लक्ष्मी ज़रूर आएगी, प्रेम से प्रसाद भी खाएगी और आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स भी दी जाएगी। मेरा नेक्स्ट टिप है कि माता लक्ष्मी और गणेश भगवान के साथ साथ दिवाली वाले दिन सरस्वती माता की भी पूजा करें। जनरली अवेयरनेस में इतना कॉमन हो चुका है कि हम माता लक्ष्मी और गणेश भगवान पे इतना कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं कि हम सरस्वती माता को भूल जाते हैं। पर दिवाली पे गौर करिएगा, पूजा होती है लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, इन तीनों की एक सिंगल, बहुत सारी जगह फोटोज़ मिलती हैं, मूर्तियां भी मिलती हैं, तो इन तीनों की पूजा होती है। घर में जितने भी इंसान हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, और जिस जिस बैकग्राउंड से वो डील करते हैं, जो भी वो काम करते हैं, जैसे आपके अगर हस्बैंड हैं और वो आईटी में हैं, तो आप उनका पेन रख सकते हैं, आईपैड रख सकते हैं, लैपटॉप रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं। बच्चे छोटे हैं घर में और पढ़ाई करते हैं, तो आप उनकी बुक्स और पेंसिल रख सकते हैं। जो घर में लक्ष्मी है, जो जो औरत है, जो आपकी अर्धांगिनी है, आप उनकी ज्वेलरी रख सकते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई हो। थोड़ा सा धन राशि रख सकते हैं, चांदी का सिक्का रख सकते हैं, सोने का सिक्का रख सकते हैं।
तो घर में जितने लोग हैं, जितने मेंबर्स हैं, अगर आप उन सब की एक एक चीज़ें भगवान के सामने, छोटी छोटी चीज़ें भगवान के सामने रखेंगे, माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, भगवान गणेश की पूजा करेंगे और माता सरस्वती की भी पूजा करेंगे, आप इन तीनों देवी देवताओं को अपने घर बुलाएंगे, इन तीनों का आवाहन करेंगे। मेरी अगली टिप है कि दिवाली वाले दिन बहुत सारा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। आडंबर मतलब बहुत सारी तैयारियां कि आप थक जाएं, आप एकदम परेशान हो जाएं। सरल पूजा कीजिए, सिंपल पूजा कीजिए। देर इज़ ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। आपको जो आता है, जितना आता है काफ़ी है। लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि दिवाली वाले दिन और भव्य पूजा करने के लिए खूब सारा प्रसाद बिछा दो, खूब सारा सामान रख दो, भगवान को प्रसाद से, सामान से, सोने चांदी से ढक दो। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिंपल पूजा करेंगे पर आप अच्छे इंटेंशन से पूजा करेंगे वो काफ़ी है। आप बस जो भी आपका प्रसाद है वो रखिए, फूल लाइए, अगरबत्ती, घी के दिए जलाइए, सबसे पहले गणेश जी की आरती करिए, उसके बाद लक्ष्मी माँ की आरती करिए। अब ज़रूरी नहीं है कि एक एक करके आप सारे देवी देवताओं की आरती करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप गणेश जी की आरती करेंगे, लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। कहने का मतलब है सिंपल पूजा करिए बट पूरी निष्ठा के साथ पूजा करिए। मेरी अगली टिप है कि जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि उनको क्या पसंद है। अगर आपके घर में आपके माता पिता आते हैं तब भी आप सोचते हैं कि मम्मी पापा को क्या पसंद है मैं वो बनाऊं, मेरी बहन को क्या पसंद है मैं वो बनाऊं, मेरे भाई को क्या पसंद है मैं वो बनाऊं। उसी तरीके से गणेश भगवान को पसंद है, प्रिय है मोदक या लड्डू, तो आप गणेश भगवान को चढ़ाएंगे लड्डू मोतीचूर के या मोदक, और माता लक्ष्मी को पसंद है खीर, चावल की खीर, तो आप उनके लिए खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, एक कुछ सब्जी बनाइए। और माता लक्ष्मी को पसंद है कमल, अगर आपको विशेष कर दिवाली वाले दिन कमल का फूल मिले तो आप माता के सामने ज़रूर रखिए। माता को एक और चीज़ बहुत प्रिय है और वो है पान। तो दिवाली वाले दिन कोशिश करिए कि आप 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, ये भी माता के सामने रखिए। आप जब ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है इसको अरेंज करना, पर आप ये जब छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे ज़रूर ज़रूर प्रसन्न होगी। अब मैं आती हूँ अगले टिप की तरफ जो है दिवाली के दिए। दिवाली में आप कोशिश करिए 11 घी के दिए जलाएँ या 21 घी के दिए जलाएं या 51 घी के दिए जलाएं। अब वो आप कैसे जलाएंगे? अगर आपका घर छोटा है तो आप 11 घी के दिए जलाएं, थोड़ा सा मिड स्केल है तो आप 21 घी के दिए जलाएं, और अगर आपका घर बहुत भगवान की दया से बहुत बड़ा है, विशाल है, बंगलो है, तो आप 51 घी के दिए जलाएं। रखिए एक किचन पे रखिए, एक सारे रूम्स में रखिए, बाथरूम में ज़रूर रखिए, स्पेशली जो ड्रेन होती है ना, जो नाली होती है उसके पास ज़रूर रखिए। कहते हैं कि किसी भी तरफ से माता आ सकती है, तो ये सारे जो अंधेरे कोने हैं वो प्रज्वलित होने चाहिए, वो ब्राइट होने चाहिए, तो हर कोने पे ये घी का दिया रखिए। इसके अलावा जो आप दिए जलाने चाहें वो आप जला सकते हैं, वो आप तिल के तेल में जला सकते हैं, और आप ये 11 दिए तो आपको जलाने ही हैं। इसके अलावा जो आप दिए जलाना चाहते हैं वो आप तिल के तेल के जला सकते हैं, पर 11 घी के दिए जलाने काफ़ी शुभ होते हैं। मेरा नेक्स्ट टिप है अकॉर्डिंग टू वास्तु, दिवाली वाले दिन अपने घर को रखिए काफ़ी सुगंधित, यानी इट शुड स्मेल वेरी गुड। तो आपके घर में दिए जलते रहेंगे, सारी लाइट्स ऑन रहेंगी, पूजा भी होगी, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन देवता गण, देवी देवता
अच्छी स्मेल से काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे कि आपके घर में अगरबत्ती या रूम फ्रेशनर्स होते हैं, आजकल जगह जगह एयर मिल क्या कहते हैं उसे आई एम फॉरगेटिंग प्योरीफायर्स जो होते हैं, डिस्पेंसर्स होते हैं, परफ्यूम डिस्पेंसर्स, यू नो अरोमा ऑयल डिस्पेंसर्स, वो मिलते हैं। तो वो जगह जगह आप रख सकते हैं और पॉट पूरी रख सकते हैं और मेक श्योर कि ईच रूम स्मेल्स वेरी गुड। ये एक और इंडिकेशन है कि माता लक्ष्मी को अच्छी स्मेल काफ़ी पसंद है। अगली टिप है, दिवाली वाले दिन सुबह अपने घर में नमक का पोछा लगाएं। नमक जाना गया है कि वो सारी नेगेटिविटी खींचता है। तो दिवाली वाले दिन जब आप अपने घर की सफाई स्टार्ट करेंगे, सुबह जब आप अपना घर अरेंज कर रहे हैं, सब चीज़ें चेंज कर रहे हैं, आप बेडशीट चेंज कर रहे हैं, सब डस्टिंग कर रहे हैं, तो अपने घर में नमक के पोछे से पोछा लगाइए। ये इंश्योर करता है कि घर में नेगेटिविटी वो कम करता है। मेरी लास्ट टिप है धनतेरस की टिप। तो जनरली हम जो भी तैयारियां करते हैं वो हम दिवाली के लिए तो कर ही रहे हैं। अब दिवाली इज़ द मेन फेस्टिवल, वी ऑल अग्री। बट ये जो भी मैंने ऊपर की आपको सारी टिप्स दी हैं, अगर आप इसको धनतेरस से फॉलो करते हुए आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कहते हैं धनतेरस से ही सारे द्वार, ये दिवाली 5 दिन का फेस्टिवल है, तो धनतेरस से ही सारे द्वार खुल जाते हैं जब सारी देवी देवता बाहर निकलते हैं, यू नो वॉक के लिए, स्ट्रोल के लिए। तो अगर धनतेरस से ही आप अपने घर को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, वेल स्मेलिंग रखेंगे, काफ़ी डेकोरेटेड रखेंगे, इनवाइटिंग रखेंगे, तो आपके घर में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, गुड लक आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इसलिए दिवाली का वेट मत करिए कि मैं एक दिन पहले दिवाली के ये सब यू नो कर लूँगी। अगर आपको नमक का पोछा लगाना है तो आप 2-3 दिन लगा लो। आपको सफाई करनी है आप धनतेरस से पहले कर लो। घर को जो डेकोरेशन करनी है आप धनतेरस से स्टार्ट हो जाओ डेकोरेट करना घर को। तो धनतेरस एक बहुत अच्छा दिन है जहाँ पर धन्वंतरी जी की पूजा होती है, जो एक डॉक्टर है सारे डॉक्टर्स में, उनसे हम अच्छी हेल्थ की कामना करते हैं। उनकी पूजा ज़रूर करिएगा, भूलना मत धनतेरस वाले दिन। और धनतेरस वाले दिन ऑल्सो कुबेर भगवान की पूजा होती है जो धन के देवता है। तो कुबेर जी की और धन्वंतरी जी की अगर आपको कहीं पे फोटो मिले या कोई आपको छोटू सा स्टैचू मिले तो उसको घर लेके आइए धनतेरस वाले दिन। परचेजिंग का दिन है उस दिन, लोग तरह तरह के या तो बर्तन खरीदते हैं या कोई चांदी खरीदता है, सोना खरीदता है। आप जो भी खरीदें वो आके अपने मंदिर में रखें और उसको दिवाली तक वहीं रहने दें, उसको वहाँ से हटाएं ना। धनतेरस वाले दिन जो भी आप परचेजिंग करके लाएं, शाम तक मेक श्योर कि आप घर आ जाएं और शाम की पूजा में उसकी पूजा करके आप धन्वंतरी जी के सामने, कुबेर जी के सामने, बाकी देवी देवताओं के सामने उसको रख दें और उसकी पूजा करें और दिवाली तक उसको वहीं पर रहने दें, उसको हिलाएं ना। दिवाली के एक दिन बाद आप उसको हिला सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्नामेंट है या कोई बर्तन है तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। धनतेरस वाले दिन झाड़ू ज़रूर खरीदें, अगेन अकॉर्डिंग टू वास्तु। अब देखिए वास्तु क्या है, वास्तु एक साइंस है जो आपके एनर्जी फ्लो पे कॉन्सेंट्रेट करता है कि आपके घर में अच्छी एनर्जी बना रहे और जो आपके घर का एनर्जी फ्लो है वो वेल बैलेंस्ड रहे। तो झाड़ू हम सफाई के लिए यूज़ करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप झाड़ू खरीद रहे हैं धनतेरस वाले दिन तो आप नेगेटिविटी को हटा रहे हैं, उसका ये इंडिकेशन है अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो धनतेरस वाले दिन झाड़ू जरूर खरीदिए। तो ये थे मेरे सारे टिप्स दिवाली के आने से पहले। आई एम श्योर इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने पहले से ही सुनी होंगी, बट अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो एक आपको रिकॉल हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से, अपने लव्ड वन से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आपकी इंटेंशंस मैटर करती हैं। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं और आप दूसरों से भी अच्छी इंटेंशन से शेयर करना चाहते हैं तो आपका हमेशा हमेशा भला होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी शेयर करिए। मैं मिलूंगी आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली, धनतेरस एंड ऑल द फेस्टिविटीज कमिंग योर वे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स, हैव फन एंड बाय।